ये आदित्य L1 की तस्वीर है। यह आदित्य L1 वो यान जिसके अंदर अलग अलग पेलोड लगे हैं, करीब 7 पेलोड इसके अंदर लगाए गए हैं जो कि सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे गए हैं। और अब तक 2 बार इसको लॉन्च के बाद इसकी पेरिजी बढ़ाई जा चुकी है, यानी इसकी जो धरती की कक्षा है वो बढ़ाई गई। लेकिन यहां से इसने एक तस्वीर ली है, ये तस्वीर धरती की तस्वीर है, यानी आदित्य L1 ने अंतरिक्ष से धरती किस तरीके की दिख रही है उसकी तस्वीर साझा की है, और साथ ही दूर नजर आता हुआ चंद्रमा ये उसकी भी तस्वीर उसने साझा की है, यानी अपनी तस्वीर शेयर की है आदित्य L1 ने सेल्फी के तौर पर, और उसके साथ साथ तस्वीर साझा की है पृथ्वी की भी और चंद्रमा की भी। और ये जो छोटा सा बिंदु आप देख रहे हैं, आदित्य L1 जिस पॉइंट के ऊपर मौजूद है वहां से उसने ये तस्वीर साझा की है, और 2 तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 सितंबर 11:50 का वो वक्त था जब धरती के से यानी भारत के श्रीहरिकोटा से ये रवाना हुआ था आदित्य L1, और लगातार धरती की कक्षा के अंदर मौजूद है आदित्य L1, और अब इसने तस्वीर साझा की है, अपनी भी तस्वीर साझा की है, और ये तस्वीर बताती है कि आदित्य L1 खैरियत से है। जी हाँ, आदित्य L1 जो कि सूर्य की तरफ L1 पॉइंट के लिए आगे बढ़ रहा है, सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का भेजा गया पहला मिशन है, और ये करीब 120 दिन का सफर पूरा करके उस L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी के ऊपर वो L1 पॉइंट है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले आदित्य L1 ने न केवल अपनी सेल्फी ली है, अपनी तस्वीर साझा की है, बल्कि उसने पृथ्वी की तस्वीर और साथ ही जिस कक्षा में वो मौजूद है वहां से चांद कैसा नजर आ रहा है उसकी तस्वीर भी साझा की है, वो चांद जहां पर धरती का चंद्रयान इस समय सो रहा है।